सूत्र नंबर 5 पेज नंबर 322 सलवार सिद्धि यहाँ सॉरी अब गुप्ति के पालन करने में अशक्त मुनि के निर्दोष प्रवृत्ति की प्रसिद्धि के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्या कह रहे हैं? गुप्ति का पालन करने में कोई अशक्त है, अशक्त माने असमर्थ है। गुप्ति का पालन करना जिनके लिए संभव नहीं हो रहा, उन्हें जो पूरी तरह से अपने स्वरूप में गुप्त रहने में समर्थ नहीं है, पूर्ण स्वरूप में गुप्त हो जाए सबसे बढ़िया है, अपने आत्म स्वभाव में लीन, उसका फल मोक्ष है, समर्थ का प्रधान कारण गुप्ति नंबर 1 है। अब गुप्ति में नहीं रहे तो क्या करें? फिर मनोगुप्ति पूरी तरह से ना हो, वचन गुप्ति नहीं हो, काय गुप्ति ना हो, गुप्तियों में न रह सके, यदि गुप्ति में अंतर्मुड़क पूरा रह जाए तो मोक्ष हो जाए, तो पूरे समय तो उपयोग उसमें लगता नहीं। तो जब उसमें उपयोग नहीं लगे तब क्या करे बाकी समय? मैंने गुप्ति का पालन करने में अशक्त हो, अशक्त माने शक्ति नहीं एक थी पूरी तरह से गुप्ति का ही पालन कर ले, और ये शक्ति वास्तव में पूरे समय रहते भी नहीं, क्योंकि पूरे समय अंतर्मुड़क के लिए भी हो जाए शक्ति पूरी तो मोक्ष है। इसलिए बाकी समय तो मुनिराज को दूसरी प्रवृत्ति का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा गुप्ति का पालन करने में अशक्त मुनि के, अब प्रवृत्ति हो कम से कम तो कैसी हो? निर्दोष। भाई निवृत्ति पूरी तरह से संभव नहीं है, निवृत्ति पूरी तरह से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुनिराज के पूर्ण निवृत्ति संभव नहीं, निवृत्ति में पूरी तरह से नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ प्रवृत्ति होती है, तो वो प्रवृत्ति कैसी हो? हाँ होती है ना, तो प्रवृत्ति कैसी होती है वही बता रहा है, तो वो निर्दोष होती है, वो प्रवृत्ति यद्वा तद्वा नहीं होती है। प्रवृत्ति में आते हैं तब पूरी तरह से ध्यान में रह जाए और अपने स्वरूप में लीन हो जाए तो बात ही क्या लेकिन ध्यान में अधिक काल नहीं रहते, जितने काल रहते उतने काल रहते, फिर बाकी ध्यान से बाहर आए तो क्या करें? अब जो प्रवृत्ति है वो कैसी हो? निर्दोष, माने मूल गुणों का पालन हो, वो निर्दोष रूप से हो, अहिंसा महाव्रत निर्दोष रूप से पले। अब जो कुछ भी प्रवृत्ति हो उसमें निर्दोष होना रहे, उसमें दोष न लगने पाए, उसके लिए वे आगे का सूत्र कहते हैं। देखो मुनिराज के लिए कुछ चीज़ें जरूरी है, भाई यदि ध्यान नहीं करे जंगल में बैठ के तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन शरीर चलाने के लिए आहार भी आवश्यक है कि नहीं? तो अब ध्यान से बाहर आएंगे, शरीर आदि है साथ में तो उसको चलाने के लिए आहार आदि भी लेना होगा, आहार लेने के लिए मन से नगर की ओर जाएंगे, मन से गांव आदि गांव की तरफ भी जाएंगे, तो चलना होगा, ऐसे भी एक स्थान पर मुनिराज अधिक समय नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह विहार करते रहते हैं, तो विहार करते समय चलना है तो चले तो कैसे चले? निर्दोष मैंने प्रवृत्ति है चलने की, जिसमें आना पड़ता है मुनिराज को, चले बिना काम नहीं चल सकते, अब चले तो कैसे चले? ऐसे ही बोलना भी पड़ता है कभी, तो बोले तो कैसे बोले? आहार भी करना पड़ता है तो कैसा आहार? मलमूत्र का क्षेपण करना पड़ता है कैसे? आहार करेंगे तो मलमूत्र हो, कोई वस्तु पीछे कमंडल साथ में है उठाएंगे भी धरेंगे भी तो वो कैसा? उसकी प्रवृत्ति कैसी हो? मैंने अब प्रवृत्ति हो तो कैसी हो? तो उसके लिए सूत्र कहते हैं कि भाई निर्दोष प्रवृत्ति हो तो निर्दोष प्रवृत्ति के लिए आगे का सूत्र। देखो मुनिराज की प्रवृत्ति बहुत निर्दोष होती है, मैंने वो उनकी चलना भी है तो उनकी शर्त के अनुसार चलना है ना, ऐसे यद्वा तद्वा नहीं चलेंगे, चलना तो जरूरी है लेकिन जीव रक्षा को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, बोलेंगे लेकिन हितमित्री बोलेंगे, हार आदि ग्रहण करेंगे लेकिन निर्दोष, पीछे का मंडल उठाएंगे करेंगे देख के, जो काल करेंगे क्षेपण करेंगे देख के,
जो कार्य करेंगे देख चाहिए किसी जीव की हिंसा नहीं, राग भाव नहीं है तीव्र, इन कार्य के करने में उनको राग तीव्र नहीं है, इसलिए वो जीव जो भी काम पिछली कार्यों में तीव्र राग का भाव होने से उनके जीव हिंसा जीव जीव दया स्वयं पलती पालते नहीं बल्कि वो कहें पलती है, क्योंकि उनके रागादि का अभाव होने से दया पलती है, जिसके राग तीव्र होता है उसके दया पलती नहीं है, उसको दया पालनी पड़ती है, और जिसके रागादि भाव नहीं होते इन प्रवृत्तियों में भी तीव्र राग नहीं होता, तो इसलिए जैसे ही उनको दिखता है कि इन प्रवृत्तियों में हिंसा हो रही है तो तत्काल उस प्रवृत्ति को छोड़ो, क्योंकि वैसे उनको राग नहीं, वो तो निवृत्ति में रहना प्रवृत्ति में तो आ गए शक्ति भी थी, लेकिन जैसे ही देखा गया प्रवृत्ति तो निर्दोष नहीं हुई है तो फिर प्रवृत्ति छोड़ दो, वो प्रवृत्ति छोड़ देंगे प्रवृत्ति भी करनी होगी तो दूसरी करनी, भाई जैसे चल रहे हैं तो सामने जीव दिखे तो जरूरी तो ही नहीं कि अब आगे जाएंगे पीछे चले जाएंगे, बोलना ही है जरूरी तो ही नहीं कि अधिक बोले प्रिय नहीं बोले अहितकारी बोले हित हित प्रिय बोले, और नहीं बोलता है तो चुपचाप जरूरी तो है हार लेंगे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन ये तो है नहीं कि बस यदि उसमें दोष भी हो तो भी ले लेंगे, निर्दोष होगा तो लेंगे दोष लगा छोड़ दे, एक दिन हार नहीं लेंगे तो उससे कोई मरण तो नहीं जाएगा, तो अपनी शर्त पूरी होनी चाहिए। छठे सातवें में झूलने वाले विराज की प्रवृत्ति होती है, हाँ तो छठे सातवें अवस्था में झूलने वाले विराज के पांचों प्रकार की समितियां होती है, सातवें अवस्था के ऊपर समिति आदि का कोई काम नहीं बुद्धि, लेकिन जब तक छठे सातवें में झूलना है तब तक ये समितियां होती है, क्योंकि प्रवृत्ति में ना तब तक और क्षण भर में छठे प्रवृत्ति करते हुए छठे सातवें झूलते रहते हैं, आहार लेते हुए अनेकों बार हजारों बार सैकड़ों बार छठे सातवें में झूल जाए, ऐसा नहीं कि आहार लेते लेते रुक जाए सातवें के लिए, आहार करते रहेंगे बीच में अपने आप सातवां छठा में उनकी प्रवृत्ति इतनी सदैव रहती, प्रमाद निष्प्रमाद अवस्था प्रमाद निष्प्रमाद अवस्था ये चलती थी, तीन कषाय का अभाव। देखो ईर्या भाषेश नादान निक्षेप उत्सर्गा समित्या, ईर्या भाषेश नादान निक्षेप उत्सर्गा समित्या, सबसे पहले ईर्या मार्ग को ईर्या पद शुद्धि से मतलब देखते हुए गमन करना, भाषा निर्दोष हितमित प्रिय भाषा बोलना, एशना एशना मतलब अशन से, अशन मने आहार, अनशन मने आहार नहीं लेना और अशन मने आहार लेना, आहार से क्या होना एशन, और आदान और निक्षेप, आदान दान मने देना और आदान मने लेना ग्रहण करना और निक्षेप माने छोड़ना रखना, तो लेना और छोड़ना, ग्रहण करना और छोड़ना, उठाना धरना, आदान उठाना और निक्षेप में धरना, और उत्सर्गा उत्सर्ग करना माने छोड़ देना त्याग करना मल मूत्र आदि का उत्सर्ग करना, ये समितिया ये समितियां हैं कवि के रूप चलाएंगे, कवि कवि कविया ऐसे समिति का समितिया, पहले इन सबको सब जोड़ दिया समास कर लिया सबका बहुवचन लगा दिया आखिर उत्सर्ग का उत्सर्ग रामा रामू रामा इलिया भाषेषणा नाद निक्षेपोत्सर्गा समित्या पास समझ में आ रही, थोड़ी बहुत याद करने में आपको सरल रही है, इर्या भाषेशना दान निक्षेपोत्सर्गा समित्या
इंद्रिया भाषा ऐषणा आदान निक्षेप और उत्साह ये पांच समितियां हैं। यहाँ सम्यक इस पद की अनुवृत्ति होती है। सम्यक पीछे से लगा लेना, पीछे कहा ना सम्यक योग निग्रह मुक्ति, यहाँ भी ये लगा लेना सम्यक इंद्रिया भाषा दान निक्षेप उत्सर्ग समित्या। सम्यक पद को अनुवृत्ति से यहाँ पे भी लगा लेना, मतलब सम्यक पद की यहाँ पे भी अनुवृत्ति होती का मतलब ये है कि सम्यक पद यहाँ पे भी लगता है। सम्यक का मतलब क्या है? सच्ची, ऐसी उल्टी पुल्टी नहीं। सम्यक मैंने यथार्थ, जैसी जिन्हें भगवान ने कही है वैसी, अपने मन मर्जी से नहीं। उससे इंद्रिया आदि विशेष पने को प्राप्त होते हैं। मैंने वो विशेषण है सम्यक और ये विशेष है, इस विशेषण से सब विशेष पने को प्राप्त होते हैं। सम्यक इंद्रिया, सम्यक भाषा, सम्यक ऐषणा, ऐसा यथा सम्यक इंद्रिया, सम्यक भाषा, सम्यक ऐषणा, सम्यक आराम विच्छेद और सम्यक उत्सर्ग, इस प्रकार कही गई ये पांच समितियां जीव स्थान आदि विधि को जानने वाले मुनि के प्राणियों की पीड़ा को दूर करने के उपाय जानने चाहिए। अरे जो जीव स्थान आदि जानते हैं, जीव स्थान इसलिए तो पढ़ना जरूरी है, कहाँ कहाँ जीव होते हैं, 14 प्रकार के जीव समास, 19 प्रकार के जीव समास, 57 प्रकार के जीव समास, 98 प्रकार के जीव समास, सब पढ़ा है ना, ये 19, 57, 98, 14, 406 भी होते हैं, फिर भी पढ़ा है 406। तो जीव समाज जानना जरूरी है जीवों की पीड़ा को, जीवों की पीड़ा को दूर करने की, मैंने जीवों जीवों की हिंसा ना हो इसके लिए अपने ये तो पता होना चाहिए कि जीव कहाँ पाए जाते हैं। लोग आलू खा के तो ही देखेंगे जीव हिंसा करें, क्योंकि वे कहते हैं उनको मालूम ही नहीं कि आलू में भी जीव है। इसलिए जीव दया पालने के पहले जीव कांका होते हैं इसका ज्ञान होना जरूरी है। दया दया सभी कहते हैं, दया नहीं जाने को है, क्योंकि जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से, जीव की जाति नहीं मालूम कहाँ जीव है, कांका जीव पाए जाते हैं और हम उनकी दया पालने जा रहे हैं। अरे तुम्हें मालूम भी नहीं कि कांका है तो तुम उनकी दया कैसे पालोगे? तुम्हें मालूम होगा तभी तो उसकी दया पालोगे। जैसे अपने को कुछ मालूम ही नहीं हो कोई चीज़, मेरे को अकाउंटिंग आती नहीं और मैं लॉस पूरा इस कंपनी का कवर कर दूंगा, क्या पूरी बैलेंस शीट देख के पता कर दूंगा मैं कि इनका क्या कर रहा है, और मेरे को क्रेडिट डेबिट मालूम नहीं कि पीछे से क्रेडिट क्या होती है, तो कैसे बताएगा कि कहाँ गड़बड़। ऐसे मेरे को यही नहीं मालूम है कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैं जीवों की दया पालने में लगा हुआ कि अच्छा इसमें भी जीव है क्या, अच्छा हमने तो कल ही खाया है, तो जीव दया कैसे पलेगी, ये तो मालूम होना चाहिए जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अभी अपनी क्या अपनी अहिंसा बड़ी अलग तरह की, अपनी अहिंसा सारी जो है ना तो खाने पीने तक सीमित है। लोग इधर खाने के अंदर ये वो सब दुनिया भर की सोल सपटना जितना भी सारा, और जैसे गाड़ी घोड़े चलाना हो खूब गाड़ी घोड़े चलते हैं बड़े बड़े, मेरे को यहाँ से समझ लो कहीं जाना हो अपने घर तक तो मेरे को मेरे लिए दो पहिए की गाड़ी बहुत है, साइकिल बहुत है, नहीं दो पहिए से आऊँगा तो मेरी प्रेस्टीज है पंडित का है, तो इसलिए पंडित को तो कार होनी चाहिए, और कार भी ऐसी ऐसी नहीं अच्छी इतनी बड़ी जो कम से कम पूरा रास्ता रोक दो, क्या दिखे वो टायर बड़ा हो तो उससे बड़ा हो जाऊँगा थोड़ा और क्या, मतलब उसकी रक्षा पे उसकी उसकी दया में किसी का विचार नहीं जाता, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। लोग गाड़ी घोड़े की कितनी हिंसा करते हैं और तो चलती फिरती हिंसा दिख रही है, फिर सड़क पे जीव नहीं चलते, खाने में जीव हिंसा होती है, सड़क पे गाड़ी चलाने से जीव हिंसा नहीं होती है।
और दूसरी बात ये किसी को भी विवेक नहीं है, शनि की है, गृहस्थ की है, बड़े बड़े त्यागी व्रति संत चतुर्मास होते हैं, गाड़ियाँ भर भर के आते हैं। अब एक एक व्यक्ति तो चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहे हैं वो, जीव इंसान नहीं हो, पैदल चलेंगे तो बरसात में कुछ जीव ऐसे भी हो जाते हैं जो पैदल चलने के बाद भी उनकी हिंसा हो जाती है। तो एक तरफ तो तुम खुद पैदल चलने से भी बच रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारे निमित्त से गाड़ियाँ भर भर के आ गई, तो मेरे तो समझ में नहीं आता कि कैसी चीज इंसान होती है, ऐसी दया होगी। ये तो सब ऊपरी केवल ऊपर ऊपर की क्रिया होगी, जैसा मैं यहाँ से तलाशिया तक पैदल जाऊँगा और मेरे पीछे तीन गाड़ियाँ जाएंगी, एक पाटनी जी की, एक दो। तो भाई इससे जरा अच्छा है तो तुम्हें एक गाड़ी बैठ के खुद ही चलेगा, नहीं उसमें मेरी शान नहीं दिखती है, मैं तो जाऊँगा नंगे पाँव और चार छः गाड़ियाँ मेरे आगे पीछे चलती है, और फिर मैं जब मैं जाऊँगा तो मेरे चार छः गाड़ियाँ और आएगी, क्योंकि मेरे उज्जैन वाले आएंगे, फिर रतलाम वाले भी आएंगे, देवास वाले, जितने ही मेरे गांव गांव में अपने इकट्ठे कर रखे लोग मिलने आएंगे, और बड़ी बरसात में आएंगे गाड़ी चलाते, रात को गाड़ी चलाएंगे, दिन में चलाएंगे, यात्रा भर चलेगी क्या। अब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या जैनी लोग करते क्या है, ये इनकी कैसी दया होती है, ये जीरे की तो पूरी रिसर्च कर देंगे, जीरा खाना कि नहीं खाना है, खाने पीने में तो पूरी कसर ककड़ी छोड़ देंगे, अच्छी खासी पिक्चर, जरूरी चीज हो जो शरीर के लिए 10 दिन उपवास कर लो, पीयर प्रेशर सब जगह 10-10 कर ले, मैं अकेले बचा हूँ, मेरे सब दोस्त चले गए, उसने भी उसको दस नहीं बने थे, 5 थे। चतुर्दशी को मैं एक बार गया था पूना में, तो उन्होंने मेरा उपवास करवा दिया, क्योंकि मैं जिस घर गया था सबका उपवास, उन्होंने पंडित जी खाना तो बने गई, मैंने कहा यार तबीयत खराब हो रही है थोड़ी, बोला नहीं हमारे तो सालों साल उपवास ही होता, फिर मैंने भी सोचा नहीं करो भैया क्या मतलब यदि मैं उस दिन उपवास नहीं करता तो मेरी पंडित ही खतरे में पड़ जाती, और फिर भले ही वो कुछ भी करे क्या उपवास करके पाड़ने के लिए दूर कहीं पाड़ने का प्रोग्राम, वो खूब भीड़, वो गाड़ियाँ आ रही है, पार्क हो रही है, घोड़े हो रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, दुनिया भर की है सब, ये सब क्या है भाई, अब उपवास करना है मेरे को, मैं पाड़ना है तो तुम तुम्हें गर्मी करा दो, मेरे सुबह से तुमने 12 बजा दी, तुमने पंडित जी आपको कोई भीड़ में पाड़ना कराएंगे, क्या है पाड़ना भीड़ में, मेरे से भूख लगी और तुम्हारा भीड़ क्या पाड़ना क्या करो उनको सबको, उसको भी शो ऑफ करना है उसका, क्या हमने इतने उपवास किए, पंडित जी ने भी किया, हमारे घर ही किया, और हम इनको पाड़ने के लिए लाए, और इनको पेला कौन देगा, अरे भैया इतने नाटक देख देख के मैंने कहा क्या है ये सब है, तुम मतलब तुम्हारा सारा ध्यान केवल खाने पीने पे तो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, हमारे घरों के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या सामग्री बसा रहे हैं, कितनी इसमें जीव हिंसा हो रही है, हैं खटमल मार दवाई डाल रहे हैं, कभी ये डाल रहे हैं, कभी कीड़े भी नहीं पड़े उसके लिए दवाएं, सब शो ऑफ पूरा, मैं तो रहा हूँ पूरा मतलब पूरा एकदम पूरा खुल के प्रदर्शन, अच्छा बढ़िया क्या, सब घर एकदम टिप टॉप पूरे, अब टिप टॉप मच्छर क्यों नहीं आते, मच्छर मार दवाई डाल रहे सब, कीड़े की दवाइयाँ डाल रहे, कीड़े नहीं आते गए, और गाड़ियाँ घूमती रहती हैं यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ वहाँ से जाने आने की, मैंने उनसे कहा कि चले जाओ भाई इतनी दूर है पैदल, नहीं नहीं आप ऐसे कुछ चले जाओ गाड़ी आई जाए जाने दो मेरे को कैदी होते ना कैदी छूट के कहते जाए, अपन देखो इधर से जरा कभी उनका नजर छूट जाएगा, लेकिन उनको नहीं समझा सकते अपन, उनको उनके हिसाब से कुछ भी नहीं, मतलब यदि ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत मतलब उपवास नहीं किया दैट इज बिगेस्ट सिन, मतलब बहुत बड़ा पाप है, और ये सब तो उनके हिसाब से कोई पाप है, जबकि ये ऐसा नहीं है, देखो
ये धर्म जो है ना वो सर्वांगीणता से होता है, हमारे विचारों में, खाने में, खाने में इस खाने में खड़ी रहे, हमारे विचारों में, हमारे चलने में, हमारे बोलने में, हमारे व्यवहार में किसी जीव को कोई पीड़ा नहीं पहुँचे, इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। कोई प्राणी मात्र को हमारे निमित्त से कोई प्रकार का घात नहीं हो, प्राणी मात्र को बुरा नहीं लगे, हिंसा नहीं हो, उसके चित्त को दुखी नहीं हो, समझ में आए ना। ये सब और एक इंद्री दो इंद्री सबकी, हमारे अंतरंग की केवल हम मतलब अपनी ख्याति पूजा लाभ के लिए, अपनी मान कषाई के लिए हम ऐसे ऐसे काम करें जिससे दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंच इंद्री का भाग हो जाता है। गाड़ी चलने से क्या होता है, बड़े बड़े कुत्ते बढ़ जाते हैं, बिल्लियां कुत्ते। पीछे आदमी ने उसको देखा गिलहरी, वो गिलहरी पांच बार रास्ता उसको जाना था, उस रास्ता क्रॉस कर बेचारे पांच बार इधर से उधर इधर से उधर जाओ, कोई गाड़ी आ जाए कोई गाड़ी आ जाए फिर गाड़ी आ जाए। मैंने कहा इसके बाद भी गारंटी नहीं ये निकल ही जाएगी, कुत्ते मर जाएंगे, कुत्ते इधर से उधर निकल इस पे हाईवे पे कुत्ते मर जाते हैं भेड़ा। तो इसलिए दया सब जगह देखो, चलने में अपने चलने से कोई जीव की हिंसा नहीं हुई, क्यों करो ऐसी हिंसा। एक तरफ तो अपन खाने पीने में तो इतना कंट्रोल करते हैं और इधर अपन जबरदस्ती की हिंसा कर रहे हैं जिससे अपन बच सकते हैं। यदि अपने को सचमुच दया का भाव है तो सर्वांगीणता से अपन दया का पालन करो। सचमुच दया का भाव है यदि कि हमारे निमित्त से कोई जीव को कोई प्रकार की पीड़ा नहीं पहुँचे तो हम हर चीज़ में विचार करें, नहीं करेंगे। भले लोग हमें कुछ भी कहे, लोग हमको बड़ा आदमी कहे छोटा आदमी कहे, क्या हम इसकी परवाह नहीं करेंगे, हमें क्या कहता है, हमें इसकी परवाह होगी किसी जीव को हमारे निमित्त से पीड़ा नहीं पहुँचती। क्योंकि ये सबसे बड़ा धर्म व्यवहार धर्म यदि बात करो ना तो जीवों की हिंसा ही सबसे बड़ा पाप है और जीवों की दया ही सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि हमने किसी एक जीव को मारा नहीं, सताया नहीं, उसका दिल दुखाया, उसको हिंसा नहीं दी, तो हमने उसको तीन लोग की संपत्ति दान में दी है। क्योंकि तीन लोग की संपत्ति लेकर भी वो अपने प्राण नहीं देना चाहता, इसलिए हमने उसके प्राणों की हिंसा नहीं की, उसकी जान नहीं ली, मैंने हमने उसको तीन लोग की संपत्ति गिफ्ट की। बहु धंधी धंधे बंदे जो जितना बड़ा धंधी को उतना हिंसक धंधे पानी हिंसक। मैंने एक तरफ तो अपन इधर खाने पीने में कितना विचार करते हैं, आरंभ की हिंसा, उद्योगी हिंसा, चलने फिरने में हिंसा, ये सब हिंसाओं का विचार नहीं करते। उद्योग भी ऐसे लाने, उद्योग भी ऐसे हो कम से कम जीव हिंसा नहीं, आरंभ भी करे तो ऐसा कम से कम हिंसा को टाल, मतलब हिंसा कम से कम हिंसा को टाल के करे, ये सब विचार नहीं तो ये सब ढकोसला बनते रह जाएंगे। क्या जहाँ चातुर्मास होता कम से कम हर दिन दो दो गाड़ियाँ धोता होती, दो चार गाड़ी नहीं होती चातुर्मास, तो ईर्ष्या समिति होती। तो ये ईर्ष्या समिति मतलब ये है कि चार केवल अरे हमारे निमित्त से किसी प्राणी मात्र को किसी पीड़ा नहीं पहुँची, हिंसा सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करते। गाड़ी की होती कहाँ की, देखो मुनिराज तो चलेंगे तो चार हाथ आगे जमीन देख के चलेंगे, गाड़ी चल चार आगे जमीन देख के चलती है, चीटियाँ फिर मच्छर मकोड़े कोई आवश्यक है वहाँ तक तो ठीक है, हमें जाना है क्या करें, अपने को जाना है एक दो जने को तो अपने को जरूरी है दो पहिया तो चाहिए अपने, अब उससे ज़्यादा अपने को आवश्यकता नहीं है, या कम से कम चार जने जा रहे हैं तीन जने जा रहे हैं। ये तो एकदम नियम बनना चाहिए हिंदुस्तान कि एक आदमी यदि गाड़ी पर बैठा है तो उसको अलाव ही नहीं, क्योंकि तो क्या जगह ही नहीं है, कम से कम दो जने होने चाहिए गाड़ी के अंदर बैठे हो तो ही वो गाड़ी चलेगी, अकेले आदमी को गाड़ी अलाव ही नहीं करना चाहिए तो अपने आप ट्रैफिक समस्या सॉल्व हो जाए। गाड़ी बेचने वाले कोई करना नहीं है। ये एरिया एक तो एरिया मतलब चार आगे जमीन देख के चलना, और इसमें बहुत सारी बातें
मतलब ये कि चारा लाके जमीन देख कर चलते ही है, साथ में रात्रि में विचरण नहीं करते, रात्रि काल में विहार नहीं करते। प्रातः काल सूर्योदय होने के बाद जब उस मार्ग पे और लोग चल चुके हो, मतलब वो मार्ग प्रासु हो गया और लोग चल गए, मतलब हमारे निमस्य किसी चीज की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि लोग पहले चल चुके हैं। तो चल चुके हैं तो जो भी रात के जीव होंगे अभी, तो वो उनके चलने आदि के निमित्त से घात होना होगा, तो पहले हो गया उनके निमित्त से हो गया। अब वो मार्ग पे कोई नए जीव जंतु नहीं है, तो अब उस पर चल, जिस मार्ग पे कोई पहले चल चुका हो, और सूर्यास्त के एक मतलब सूर्यास्त के पहले उनका गमन बंद हो जाए। दिन में चलते हैं, रात में चलते, चलते हुए भी न अति तीव्र गति से चलते हैं, न अति मंद गति से चलते हैं, और चलते समय बोलते नहीं, सामने हाथ सामने जमीन देखते हुए उपयोग सामने रखते हुए चलते, इधर उधर देखते हुए भी सामने बात नहीं करते, बात करें तो उपयोग बैठे हुए सब चीजें कही है। क्रिया समिति जैसे भाषा समिति, भाषा समिति में क्या है, हितमित्री भाषण करें, बोले तो हितमित्री बोले, कटुबरी बोले, क्या पाकिस्तान बम डाल देना सिखा देते, फलाने जगह बम डाल दो, उड़ा दो इसको, सब पापी है जितने भी है, उनको जीने का अधिकार नहीं, धरती पे बोझ है ये सब। तो ये भाषा है, ये भाषा समिति है, आतंक फैला रहे। गुजरात की भाषा तो ऐसी होती है जिसको सुनने के लिए तिरंज भी तरसते हैं, शेर इतना क्रूर प्राणी होगी उनकी मुद्रा को देख के एकदम शांत हो जाता, उनके पास में ऐसे पंजे ही जोड़ के हाथ जोड़ता है, कहता प्रभु मेरे हित के लिए भी कोई बात नहीं, इतना उसके अंदर का पढ़ना बदल जाता है, शेर जैसे हिंसक जीव बदल जाते हैं गुजराज को देख। भाषा इतनी हितमित प्रिय होती है, मानो मुखों उनके मुखों की चंद्रमा से क्या जल रहा अमृत जल रहा, सब पढ़ चुके हैं पांच लोग। ऐष्णा समिति है ना, आहार एकदम निर्दोष लगता, मतलब एक तो किसी प्रकार का कोई उसमें वो नहीं होता कोई प्रदर्शन प्रदर्शन, और दूसरी बात कि कोई उद्दिष्टता से नहीं होता कि भाई हमारे लिए बनाया, जो श्रावक ने अपने लिए बनाया है और उसमें से उसको देने की उसको देने का भाव है, तो अपने भक्ति से भाव से दे रहा, जबरदस्ती नहीं, और जो भी उसने अपने लिए बनाया है उसमें से वो विभाग करके देना चाहता है, देने वाले को हर्ष है, और उसने मुनिराज के लिए अलग से नहीं बनाया, उसने बनाया किसके लिए था, स्वयं के लिए, और स्वयं में से वो क्या करता है, विभाग करता है, अतिथि के लिए संविभाग करता है, अपने विभाग, जैसे हमने अपने लिए अपने जॉइंट फैमिली लिए 10 जन अपने घर में, तो 10 जनों में यदि अपना आधा आधा रोटी निकाल देंगे तो 5 रोटी निकल जाएगी, थोड़ी थोड़ी सब्जी निकाल देंगे सब्जी निकल जाएगी, सब चीज दाल निकल जाएगी सब निकल जाएगी, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से उनके हाल चले होंगे, अलग से भी कुछ नहीं हुआ, रोज आएंगे कोई दिक्कत नहीं, और अलग से करेंगे तो कितने दिन करेंगे, एक बार दो बार, और रोज हमारा तो पता नहीं क्या काम है, हम अपने लिए आहार करते हैं उसके पहले हम मुनिराज, हम ये चाहते हैं कि हमने अपने लिए जो आहार बनाया उसी में से हम कुछ हिस्सा करके मुनिराज को दे, ताकि हमारा भी कुछ त्याग हो, हम आज 5 की जगह 4.5 रोटी खा लें, 4 की जगह 3 ही खा लें, एक आध रोटी कम खाने में त्याग बुद्धि भी होती है, तो 4 की जगह में 8 बना लो पहले, और उनके नाम से 4-6 मिठाइयाँ और बना लो, जूस नमकीन, ओके वहाँ की तब मजा आएगी, उनका भी आ रहेगा मेरा भी हो जाएगा अच्छे खास, और तुम्हारा भी न्योता दे रहेगा, तुम भी आ रहे निमंत्रण पर, तो उसमें रसना इंद्री वश में नहीं करी हमने, बल्कि और क्या किया, रसना इंद्री को पोषा, उनके निमित्त से अपनी रसना इंद्री को हमने अपने लिए, और वो कितने दिन करोगे आप बताओ, मेहमान को आप कितनी बार बुला सकते, आप मेरे को खाना खाने के लिए कितनी बार बुला सकते, यदि आपको मेरे लिए 4 मीठे बनाने पड़ेंगे, नमकीन बनाने पड़ेंगे, 4 चाहिए और सुबह से लगना पड़े, कितनी बार, भैया ये पंडित जी को तुमने एक ही बार बुलाया मैं बहुत है, बस हो गया हमारा, कितनी बार कर सकते हैं ऐसा काम, भाई सुबह से महीना ही कितनी बार लग सकती है, और आज की तो पति को ही दे दे बहुत है, क्या
पति कोई मिल जाए ना उसमें से हिस्सा करके तो बहुत है, वो उत्ती बहुत बड़ा उपकार हो गया। अब वो मुनिराज आ जाए उनको हार दान करा दे, वो तो बहुत दुर्लभ बातें हैं क्या। इसलिए वो अलग से तो जब भी होएगा ना काम तो वो एक ही बार हो सकता है। और जो ऐसा हो कि भाई हम अपने चीज अपने लिए चीज बना रहे हैं, आप आ गए, अरे मैं तो कहता हूँ ये जो जो बिना मेहमान के जीवता है ना, जिसको कोई आवश्यकता नहीं, जैसे आप मेरे घर आए, जो बना है एक रोटी आपने भी खा ली, एक रोटी हमने कम खा ली, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, तो फर्क पड़ता है। बिना नियोते के कोई आदमी आ जाए किसी दिन और कदाचित उसको अपने को मैंने वो बिल्कुल सीधा साधा जो उसने अपन ने अपने लिए बनाया था उसी में से एक रोटी और बना के अपने को बनाना पड़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी के लिए सुबह से शाम जुटना पड़े तो क्या हो, बेजी आ रही है। अच्छा एक आध बार ही आते साल हो जाए तो क्या हो, कितनी बार कर सकते हैं, एक बार दो बार। तो ये विधि तो प्रैक्टिकल वही है कि हमने अपने लिए बनाया है, उसमें से हम रोज रोज हम उनको रोज बाढ़ जोते हैं कि प्रतिदिन वो आए, कभी भी आए और हम अपने बनाए हुए भोजन में से कुछ हिस्सा करके उनको दे दें। जो भी कृत्रिम व्यवस्था करेंगे हम वो ज़्यादा नहीं चलेगी, वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं, वो नेचुरल व्यवस्था से ना चल सकती, आर्टिफिशियल सब चलेगी। जो चोकले के लगे लगे चौका क्या, तो वो कितने कितनी बार लगाया, हर आदमी के ऊपर एक काम किया जाए, ये भैया तेरे को भी एक दिन लगा, तेरे को भी। जो धनिक वर्ग होगा वो तो लगा देगा, और जो बेचारा सामान्य परिस्थिति का वो क्या करेगा, एक बार लगा देगा, दूसरी बार सोचे उसे घर के खाने के ठिकाने नहीं, वो कितनी बार करेगा क्या। तो वो इसलिए एक निर्दोष पद्धति यही है कि जो सामान्य रीति से हम बना रहे हैं उसमें से आओ और ले, कोई कष्ट का कारण नहीं, कोई कष्ट अपनी, और उसमें त्याग बुद्धि है, देखो बहुत बड़ी त्याग बुद्धि है। अपनी दी हुई चीज आदमी तभी अर्पित करता है जब उसको वास्तव में समर्पण का बहुमान का क्या भाव आता है, जब उसको पूज्य बुद्धि होती है तब वो देता है अपनी चीज, अन्यथा अपनी चीज नहीं देता। डबल बना ले एक अलग बात है कि अपनी वस्तु का त्याग करके देना, मैंने अपने लिए भी मिठाई बननी पड़े उससे क्या, और उस मिठाई में से एक मिठाई मैंने निकाल दी तो मैं तभी निकालूंगा जब मेरे जिससे प्रेम होगा तो उसके लिए निकालूंगा, और प्रेम नहीं होगा तो मिठाई छिपा लूंगा। इसलिए कही कृष्णा सर, और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, 32 दोष टाल के, 46 अंतराय टाल के, सारे पढ़े वो सब करते करते आदान विक्षेपण रखे तो देख के, उठाए तो देख, सीधी सी बात है। कोई भी चीज मतलब कभी थोड़ा भी करना है और फिर वो वहाँ उसका मार्जन कर, पीछे होती है पीछे से, उस जहाँ चीज़ रखनी हो पहले उसको पीछे से मार्जिन कर लो, छोटे छोटे जीव जंतु भी होते हैं चले और फिर वहाँ अपनी कमंडल कर लिया, उठाना है तो पहले उसको मार्जित कर लिया फिर उठा। बल्कि प्रतिदिन जो है ना प्रातःकाल संध्या प्रातःकाल, जैसे रात्रि में कभी कोई जीव पीछे इस कमंडल आदि का है तो उसको पीछे से मार्जित करते थे ताकि कोई जीव आ गया और छोटा मोटा तो वो अलग हट जाए, और पीछे इसीलिए रखी जाती क्योंकि पीछे सबसे कोमल उपकरण है, उसके निमित्त से कोई जीवों की हिंसा नहीं होती, प्राणियों को कोई पीड़ा नहीं होती, इसलिए इतना ये आदान निक्षेपण समिति। और समय उत्सर्ग समिति, उत्सर्ग समिति भी ये उत्सर्ग क्षेपण करना, जो मतलब आहार आदि किया है तो उससे जो भी मजबूत होगा तो उसका क्षेपण करेंगे, तो देख के कहीं किसी प्रकार से किसी जीव की हिंसा न हो, वहाँ कोई चीटियाँ नहीं हो, कोई छोटे छोटे जाओ जीव जंतु नहीं चल रहे हो, नहीं तो उनके लिए तो वो हिंसा का कारण बन जाएगा ना, पानी उनके लिए तो बाढ़ है वो पानी की एक तरह से, मर जाएंगे सब जीव। इसलिए बहुत ही विवेकपूर्वक ऐसे स्थान पर जहाँ कोई जीव जंतु नहीं हो वहाँ मजबूत कैसे। इस प्रकार से 5 समिति, इस प्रकार ये कई भी 5 समितियाँ जीव स्थान आदि विधि को जानने वाले मुनि के प्राणियों की पीड़ा को दूर करने के उपाय जानना चाहिए। इसे मूल मतलब प्राणियों की पीड़ा नहीं हो किसी प्रकार से, उनकी पीड़ा को दूर करने के उपाय।
इस प्रकार से प्रवृत्ति करने वाले के असंयम रूप परिणामों के निमित्त से जो कर्म का आश्रय होता है उसका संवर होता है। माने इस प्रकार से यदि वो प्रवृत्ति करेंगे तो असंयम के निमित्त से जो कर्म का आश्रय होता था वो आश्रय नहीं होगा, क्योंकि तो संयम रूप प्रवृत्ति, और संयम रूप प्रवृत्ति होगी तो असंयम रूप से असंयम के निमित्त से होने वाले कर्म आश्रय नहीं होगा। भाई असंयम से जो कर्म आश्रय होता है वो कैसे मिटेगा? संयम से। तो ये संयम है ना, इसमें संयम है। संयम नहीं होगा तो आदमी संयमित हुए बिना आदमी चार आगे जमीन देख के नहीं चलेगा, आहार निर्दोष नहीं लेगा, जीवन पर संयम नहीं होगा तो बोलने में ध्यान नहीं रखेगा क्या, और देखने उठा चीज रखने उठाने में जल्दबाजी करेगा, बल्कि क्षेपण करने में जल्दबाजी करेगा। वो तो संयमित होगा बिल्कुल, जीवन इंद्रिया और मन वश में होगा, क्या जीवन वश में होगी बोलने के लिए भी और आहार के लिए भी, चलने फिरने में बिल्कुल वश में होगा कि हम देख के चलता हो, ये सब चीजें वश में होगी। क्योंकि संयमित करना मैंने अपने आप को स्वयं वश में हो, इंद्रिया वश में हो, तो ये सब संयम पलेगा, ये सब की समिति पलेगी। संयम के बिना समिति पलना संभव नहीं, इसलिए कहा कि उनके संभव होता है। असंयम निमित्त से जो आश्रय होता था वो आश्रम नहीं होकर उसका क्या होता है? संभव होता है। असंयम के निमित्त से काय काय का आश्रय होता है? तीन कषाय चौकड़ी असंयम रूप, दो तीन नहीं दो, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यान, उसमें अत्यागम परिणाम। अप्रत्याख्यानावरण में किंचित अत्याग है, अप्रत्याख्यानावरण में अप्रत्याख्यानावरण से सकल सकल अत्याग रूप है, और प्रत्याख्यानावरण में प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में किंचित त्याग बुद्धि तो है लेकिन सकल त्याग बुद्धि नहीं। समझ आ रही नहीं आ रही? तो एक का अभाव है, तीन कषाय है, एक कषाय का अभाव सम्यक तो है लेकिन अभी वृत्ति रूप परिणाम नहीं। दो का अभाव है तो किंचित वृत्ति है लेकिन किंचित अवृत्ति भी, और तीन का अभाव होने पर जो समिति रूप प्रवृत्ति है तो पूर्ण वृत्ति है, पूर्ण सही है। जैसे तीन कषाय चौड़ी के अभाव करने वाले विराज के प्रवृत्ति इस जाति की होती है क्योंकि उनके जीवन में त्याग, उनकी पांच इंद्रियां जो है पंचेंद्री का जीत रखी, पंचेंद्री जय एक नहीं है उनके मूल गुणों में, पांच इंद्रिय जय इंद्रियां जीत रखी उन्होंने, इसलिए उसका संयम का पालन उनके स्वयं में होता है, सहज होता है। समितियां इसलिए उनके अपने आप पलती है। अब दो चीजें हो गई अपनी, कौन कौन सी? गुप्ति और समिति। अगली क्या है? गुप्ति समिति। तीसरी चीज क्या है? धर्म। तीसरा संवर का हेतु धर्म है, उसके भेदों का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शोच सत्य संयम तपस त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्याणी धर्म। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शोच सत्य संयम तपस त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्याणी धर्म। दस प्रकार के धर्म के लक्षण। उत्तम, उत्तम शब्द सबके साथ जोड़ना, उत्तम क्षमा, उत्तम ही मार्दव, उत्तम ही आर्जव, उत्तम शोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम। ये उत्तम शब्द सबके साथ जोड़ना एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पहले किसको कहा, देखो लोग 90% लोग ये मानते हैं कि पहले कौन सा धर्म का दिन आता है, चौथा नंबर का धर्म कौन सा है? क्या मानते हैं लोग? सत्य मानते हैं, जबकि सूत्र में सोच पहले कहा है, सत्य बाद में कहा है। तो पहले क्या आना चाहिए? सोच आना चाहिए कि सत्य? सोच क्यों आना चाहिए? पहले सोच कषाय के अभाव के क्रम से नहीं है, क्रोध मान माया लोग लोग के अभाव का नाम सोच है, तो सोच पहले आया कि नहीं आया? कि पहले सत्य बोलो फिर सोच आएगा। पहले क्रोध के अभाव से क्षमा, मान के अभाव से मार दो, माया के अभाव से हार दो, तो लोभ के अभाव से सोच फिर सत्य है।
फिर सही है, फिर त्याग फिर त्याग दिलाते, क्योंकि दूसरी ट्रेन कब चालू होगी ना, पहले तो बताओ। क्या ये तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्यानी बहुवचन बोलो इत्यादि धर्म, ये धर्म है, ये धर्म के पालन करने वाले जीव में दसों दिखेंगे। जो धर्मात्मा है उसके अंदर ये उसके ही लक्षण है, मतलब उसके पहचानने के चिन्ह है। जीवन में धर्म आया कि नहीं आया, जिसके जीवन में धर्म उतरेगा उसके जीवन में ये दसों धर्म नियम से होंगे, और जिसके जीवन में धर्म नहीं होगा उसके लिए वो तो ऐसे करेगा। आज क्षमा का धर्म है भाई, निकालो क्षमा की पूजा, क्षमा की पूजा निकालो। किताबें नहीं है, किताबें नहीं रहती मंदिर वाली, बुलाओ। तो क्षमा धर्म की पूजा कर ली, हो गया हमारा क्षमा धर्म बस। बाकी क्षमा पालने की वजह की होती है, क्षमा तो पूजा करने की, क्षमा धर्म की आज पूजा करना है, पालना तो अपने को थोड़ी नहीं, तो पंडित जी को पालना है हो जाए। जबकि ये एक्चुअल में धर्म पाल, ये दस धर्म दस नहीं है, धर्म तो एक ही वीतराग का रूप, और ये वीतराग का रूप धर्म जिसके जीवन में होता है उसके जीवन में दसों चीजें दिखाई देती है, उसका जीवन क्षमा मार्दव अर्जुन शोच रूप होता है। देखो पढ़ते हैं इसमें, उत्तम क्षमा उत्तम मार्दव उत्तम अर्जुन उत्तम शोच उत्तम सत्य उत्तम संयम उत्तम तप उत्तम त्याग उत्तम आकिंचन उत्तम ब्रह्मचर्य, ये दस प्रकार का धर्म। शंका, ये किस लिए कहा है, ये क्यों कहा है, ये तो दस दिन बात करनी चाहिए, तुम आज क्यों करने लगा, अभी दस लक्षण के दिन कहा है, अभी तो कितने दिन बचे दस लक्षण, पांच पांच नौ ही दिन बचे अभी तो, बस दस लक्षण में नौ दिन बचे बस। आज कौन सी तिथि है, दसवीं है, तो नौ ही दिन बचे ना, पांच ये और चार हो, नौ दिन बाद दस लक्षण चालू हो जाएंगे। माघ प्रश्न चल रही ना, माघ माघ का महीना चल रहा है, तो नौ दिन बाद चालू हो गए, आज की तारीख है 22, 31 से दस लक्षण चालू हो जाएंगे 31 से। परंतु किसी को नहीं मालूम रहेगा क्या, वही लोग जो दस दस पास करने वाले हैं, तीन तीन पांच पांच सब सराफा में लिख सकते हैं, इस आप में भी लिख सकते हैं। तो ये किस लिए कहा, जब दस लक्षण के दिन है तभी ना, या यू कहेंगे या सूत्र में भी किस लिए कहा। समाधान, संवर का प्रथम कारण प्रवृत्ति का निग्रह करने के लिए कहा। संवर का पहला कारण क्या है, कि प्रवृत्ति नहीं हो निवृत्ति हो, प्रवृत्ति का निग्रह हो, लेकिन जो ऐसा करने में असमर्थ है उन्हें प्रवृत्ति का उपाय दिखलाने के लिए। दूसरा कारण कहा, भाई जो निवृत्ति में नहीं रह सकते प्रवृत्ति करेंगे तो प्रवृत्ति निर्दोष होनी चाहिए, निर्दोष प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए तो बताया, तो चले तो देख के चले, खाए तो देख के खाए, किंतु दस प्रकार के धर्म का कथन समितियों में प्रवृत्ति करने वाले के प्रमाद का परिहार करने के लिए कहा। अब क्या है, ये जो दस प्रकार के धर्म का कथन है जो समितियों में प्रवृत्ति कर रहा है तो उसके कहीं प्रमाद ना हो जाए, उस प्रमाद के नाश के लिए प्रमाद के परिहार के लिए ये दस प्रकार के धर्म कहे। मैंने समितियों में प्रवृत्ति करने वाले के प्रमाण संभव, गलती संभव है, समिति प्रवृत्ति करेगा तो हो सकता है फिर भी दोष रूप प्रवृत्ति हो जाए, तो दोष रूप प्रवृत्ति ना हो, तो दोष रूप प्रवृत्ति के निराकरण के लिए दस प्रकार के धर्म कहे। कैसे, उसका उदाहरण दिया, जैसे शरीर की स्थिति के कारण की खोज करने के लिए, शरीर की स्थिति का कारण कौन है, भोजन आहार, तो आहार की खोज के लिए पर कुलों में जाते हुए दूसरे घरों में जाते हुए भिक्षु को दुष्ट जन गाली गलौज करते हैं, दुष्ट लोग कह सकते हैं ना, अरे नग्न है मुनिराज है, इनको शर्म नहीं आती, अभी आजकल तो बहुत चल रहा है, तो लोग गाली गलौज करते हैं, उपहास करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तिरस्कार करते हैं,
मारते पीटते शरीर को तोड़ते मरोड़ते तो भी उनके कलुषता का उत्पन्न न होना क्षमा। ये सब परिस्थितियां आएगी, तुम आहार लेने के लिए जाओगे तो नगर से निकलोगे तो सब तरह के लोग मिलेंगे, कई लोगों को इसमें बड़ी ऑब्जेक्शन खड़ा हो सकता है, उनको गुस्सा आ जाएगा, तुम्हें अपशब्द बोलेंगे, मारने लग जाएंगे, पीटने लग जाएंगे, नाना प्रकार से उपवास करेंगे, नाना प्रकार के जीव संसार में, तो तुम्हें उसमें क्रोध उत्पन्न हो सकता है, उनके ऊपर गुस्सा आ सकता है कि हमारे प्रति ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो इतना एकदम निर्दोष काम कर रहे हैं, हम धर्म का काम कर रहे हैं और ये हमारे प्रति ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, दो हजार करेंगे हमारे में दोष लगा रहे हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा। तो ऐसे समय में गुस्सा नहीं आना देना, उसका नाम क्षमा है। ऐसे तो सबकी क्षमा है, मैं बहुत क्षमाशील हूँ, लेकिन घर में मेरी पत्नी से पूछा कि कितना क्षमाशील बता देंगे आप कितने क्षमा है क्या, क्योंकि कोई कुछ नहीं बोलता है तो सब अच्छे लगता है, लेकिन जब कोई कुछ बोलता है तब फिर देखो मुझसे बढ़ के क्रोध। क्षमा के भंडार सभी है, कब तक, जब तक प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती है, क्षमा तो तब आनी चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति आए, दस गालियां बन दे अपने को कोई और फिर भी अपने अंदर में क्रोध का भाव नहीं आए, इसका नाम क्षमा है क्या? ऐसी तो क्षमा सबने धारण कर रखी, किसके लिए क्षमा बताओ, अभी अपनी कितनी क्षमा है, क्षमा ही क्षमा है, लेकिन अपने घर वाले जानते हैं कितने क्षमा वहां नहीं है, क्योंकि जरा सा बोल देते हैं वो और अपने को आ जाते तेवर, ऐसा कैसे कर दिया तुमने, मैंने तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने, तुम समझते हो, फिर वो कहते अच्छा मेरी हिम्मत कैसे नहीं है, आखिर मेरे को सब अधिकार है, मैं ये हो वो फिर वह नहीं हो, चलो लट तुम्हारे साथ कौन कौन क्या, जिसको कहते ना भाई कौन नीचे कौन गिरे, मतलब कम कौन पड़ते, कोई कम नहीं, एक 30 मार्क का तो 40 मार्क क्या करो, जलता रहता क्रोध, उस समय क्रोध के आवेश को दबा लेना बहुत बड़ी बात है, अनुकूल परिस्थिति में तो क्रोध क्यों उत्पन्न होगा, पर प्रतिकूल परिस्थिति में जब क्रोध के कारण बनते हैं तब उस समय में क्रोध नहीं आने देना, उसका नाम क्षमा है, वो है क्षमा धर्म, अनुकूलता में तो सभी को क्षमा ही क्षमा है, इसलिए गाली सुन मन खेदना, गाली सुन के मन में खेद नहीं आए, उनका अवगुण कहे कही अयान वस्तु छीन ले बांधे मारे बहुत प्रकार से सताए घर से निकाल दे तन में डाले बेल जो रहता है कर्म पूरम किए तो बेल हरण कर क्या पत्नी यू पत्नी समझौता कराने को आए सलाम अशीरा तुम दोनों के प्रति संधि कोरो पांडव के बीच संधि होती है ना संधि संधि एग्रीमेंट कि देखो अब तुमको भी इसकी सुननी पड़ेगी क्या ठीक है लेकिन ये हमको ऐसा नहीं कहेंगे ठीक है भाई तुम आगे दर तुमको ही संधि संधि क्या होने आना पड़ा क्या कर आधुनिक युग बड़ा खतरनाक है क्या इसलिए ये बहुत बहुत मतलब ये धर्म की इस काल में बहुत जरूरत है क्योंकि ये कदम कदम पे ऐसे प्रसंग बनते रहते कहते रहते लोगों को तो कहने का काम है और अपने को यदि सुनने की सामर्थ्य नहीं होगी तो गुस्सा आ जाएगा और गुस्सा आ जाएगा तो मन में धारण कर ले इसने ऐसा कैसे किया कहते के कैसे किया इसने ऐसा बेधारण हो जाता ना बेर तो है तो क्या है क्या इसलिए मैंने कहा बेर जो तहां धरे ऐसी परिस्थिति आने पर बेर नहीं धरे अरे मैं तो कहता हूँ पत्नी गाली बक बनते तेरे मन को अच्छा लग रहा बक अभी तू ये बता रही है कि तू अपने घर में से क्या सीख चाहिए और क्या कोई दिक्कत नहीं खैर इतना अपन बोल नहीं सकते तो अपन यहाँ बोल रहे हैं घर में क्या सीख चाहिए लेकिन कोई कुछ भी बोले तो वो तो अपना परिचय दे रहा और अपने को उस समय ध्यान नहीं रखो तो क्या होगा क्योंकि ये तो क्या है बोलने करने का काम लोगों को आजकल कोई कम नहीं बोल रहा सब बोलते तो अपने विचार करने से भी इसने हाथ पेट भी चला नहीं तो कई तो ऐसी भी होती कुंग फू वाली क्या
अभी तो कम से कम इतना ही है, शब्दों की बाण पड़ रहे, हाथ पैर चलने लग जाए, क्या क्या नहीं हो सकता ऐसा, हो सकता है सब कुछ संभव है। तो इसलिए तो बहुत अच्छी मिली है कि भाई क्यों बात की बात से बोलती है, अभी भी आज तक इसने हाथ पैर नहीं चला, तो हाथ पैर भी चला तो क्या है, हाथ पैर दो चार बार चल जाते हैं कभी कभी। ज्यादा कुछ नहीं किया, नहीं तो चप्पू लेके आ जाए। तो इसलिए कोई मतलब ये वास्तव में अपने प्रैक्टिकल जीवन के लिए तो लिखी उन्होंने, कौन मानने आएगा नहीं तो अपने को बताओ कौन आएगा, कोई घर वाले कहेंगे बुरा कौन कहेगा, बाहर वाले तो आजकल बोलते ही नहीं किसी को बुरा, सब मुंह में सामने मिट बोले ही हो गए। ये तो अब अपने को क्षमा तो अपने घर वालों से ही रखनी है क्या, और इसी रूप से कि भाई क्या है कुछ भी नहीं करे, बोल ही गया कम से कम मार तो नहीं, और मार भी रहा तो प्राण तो नहीं ले रहा, प्राण भी ले रहा तो धर्म तो नहीं ले रहा, धर्म तो सुरक्षित है। अपने क्या गया, किसी के कुछ बोलने से अपने क्या चले जाता, उसने अपनी निंदा कर दी तो अपन तो जो है वो ही रहेंगे, उसके बोलने से कोई बुरे नहीं हो गए, वो अपनी प्रशंसा कर देते तो बहुत अच्छे नहीं हो जाते, हम तो जो हैं सो हैं, किसी के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि इतना विचार आ जाए, क्योंकि मुनिराज को तो कदम कदम पर परिस्थिति होती है, हमारे भी होती नहीं होती, हर क्षण क्षण में होती, इसलिए अपने को क्षण क्षण में सामने वाले के ऊपर आक्रोश लाने की जगह ये विचार करना चाहिए कि ये भाई अपने कर्मों का उदय है, ये तो अभी अपने को इतनी सजा मिल रही कर्म की, ये तो कलम का आप देखो लोक में कितने भयंकर भयंकर पाप के उदय, कोई किससे दुखी है, कोई काय से दुखी है, भयंकर दुख के उदय, शरीर के रोग से दुखी है, कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, किसी के बाहर है अंदर है, सब तरह से दुखी दुख है संसार में, पाप का उदय कब तक अपने दिया है, कब तक बहुत बढ़िया है, इसलिए इन बातों पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्या रहे क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं है क्या, प्राण तो नहीं लेना उसने बोले ही ना, मारा तो मारा भी है तो जान तो नहीं देना, कितना बढ़िया बेचारा जान तो नहीं देना, जान तो नहीं देना। अखबारों में तो लोग घरों में इतना गुस्सा जाता है, बच्चों की जान देते हैं, फिर खुद भी मर जाता है, इसको ही मार डालते, सब मार डालते, नरसंहार हो जाते, क्रोध के मारे गुस्सा सहम नहीं होता अंदर, तो इसलिए कभी भी क्यों प्रीति बिगाड़ो अपन किसी से, अपनी तो सबसे प्रीति संसार में जितने जीव है सबसे प्रेम भाव, बोला उसकी जीवन अपना कुछ गया, अमन जो करते क्या अपना क्या जाता है, बेर क्यों धारण करें ना हम, क्योंकि ये बेर धारण करेंगे तो कहाँ निपटेगा इसका, बेर कहाँ निपटेगा, पार्श्वनाथ के जीव से कमंड ने बेर किया कहाँ खत्म हुआ, आखिर में उसको झुकना समाप्त कैसे हुआ, परस्पर की प्रीति से समाप्त हुआ हो, बेर का कोई उपाय नहीं है, झगड़ा चलता रहा, झगड़ा चलता रहा, एक भाव नहीं दो भाव दस भाव तक चलता रहा, कोई इलाज नहीं। और दूसरी बात क्या है कि सब अपने उदय का खेल है, देखो कोई भी जीव अपने अनुकूल प्रतिकूल प्रवर्तन करता है, या अपने को लगता है कि अपने अनुकूल है या प्रतिकूल है, उसमें मूल रूप से तो अपना कर्म का उदय है, यदि अपना कर्म का उदय नहीं होता तो अपने को अनुकूल नहीं लगता, और अपने यदि कर्म का उदय नहीं होता तो अपने को प्रतिकूल नहीं लगता, जो अनुकूल या प्रतिकूल लग रहा है वो अपने उदय का खेल है, वही अपने अपने साता का उदय आ जाए तो वही अपने को अनुकूल लगे, और वही असाता का उदय होता है तो अपने क्या लगता है प्रतिकूल चीज तो वही वही क्या, इसलिए कभी भी किसी के प्रति ये तो बहुत दिक्कत है संसार में क्या अपने अपनी, और इसलिए उन्होंने देखो आगे कहा मान का जाति आदि मदों के आवेश वश होने वाले अभिमान का अभाव करना मार दो, ये क्रोध क्यों होता है मान के कारण, क्रोध और मान साथ चलते हैं, मैं बड़ा और मैं बड़ा बड़ा इसने ऐसा कैसे कह दिया, मैं जाति से बड़ा, मेरी जाति ऐसी है, इसकी जाति ऐसी है, मेरा कुल ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है, मेरे पिता ऐसे, मेरे भाई ऐसे, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे काका काका काका, मैं इतना मेरे पास पैसा है, इतना धन है, इतना बड़ा कुटुंब है, इतना रूप है, इतना बल है, इतना ईश्वर्य है, इतना तपश्चरण करता हूँ, इतना ज्ञान है, है क्या क्या नहीं है मेरे पास, तो फिर ऐसा बोलने वाला होता है कौन, तो ऐसा मत के आवेश से क्रोध आता है और क्रोध के आवेश से वीर उत्पन्न होता है, और जो सब आगे चल के वो मतलब पूरा समाप्त कर देता है,
बेल क्या होता है, अग्नि 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 जहाँ रखी जाएगी वहाँ उसको जलाती जी। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी सामने जलने स्थिरा, क्रोध रूपी अग्नि को कैसे सप्ता रूपी जल से जलना चाहिए। कोई क्या और वैसे भी देखा जाए, मैं तो कहता हूँ जेनी 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 बेचारा क्या अपराध करेगा, कितना बड़ा अपराध करेगा जेनी, जो हम उससे जेनी किसी अपने जेनियों से वेर विभाव रखे, सब अपने भाई साधन भी है, थोड़ा बहुत उन्नीसा विषय तो सबके विचारों में इसमें मतभेद चले जाते हैं। जाति आदि मदों के आवेश होने वाले अभिमान का अभाव करना है मार्दव धर्म। मार्दव का अर्थ है मान का नाश करना, तो मुनिराज को यह सब जरूरी है। क्या? क्योंकि उनके जीवन में ये सब नहीं रहेगा तो उनकी समिति का पालन होना मुश्किल है। आवेश में आ जाएंगे कभी भी जरा से तो भाषा समिति बिगड़ जाएगी, क्रोध के आवेश मान के आवेश में बिगड़ सकता है। इसलिए मान नहीं होने देना, मान का अभाव होना मार्दव। ऐसे योगों का वक्र ना होना, योग सरल होना, मनोवचन काय की कुटिलता नहीं होना, बोले कुछ और करे कुछ और सोचे कुछ और पता ही नहीं चले क्या करेगा आदमी, ऐसे होते ना सब कुछ कुटिल अंदर बाहर कुछ पता ही नहीं सामने वाले आपसे बोलने सब आपके सामने क्या बोल रहा है और पीछे क्या कर रहा है, कुटिलता होती नेता लोगों में। बोलते कुछ और ही है, करते कुछ और ही है, सोचते कुछ और ही, वाका जीवन ही समझ में नहीं आएगी यार है क्या चाहता क्या याद है। जैसे कुटिलता नहीं होना, योग का वक्र नहीं होना, मार्दव आर्जव। प्रकर्ष प्राप्त लोक का त्याग करना शोच है। प्रकर्ष को जो प्राप्त है मैंने अत्यंत अधिकता को प्राप्त लोभ, लोभ का त्याग करना क्या है शोच है। प्रकर्ष मैंने अधिकता तीव्रता, और अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना, जो अच्छे पुरुष है भले लोग हैं उसे साधु वचन बोलना, अच्छे प्रिय वचन बोलना, भले वचन बोलना, हितकारी बोलना, वो सत्य है। शंका इसका भाषा समिति में अंतर्भाव होता है समाधान, ये कोई दोष नहीं है क्योंकि समिति के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मुनि साधु और असाधु दोनों प्रकार के मनुष्य में भाषा व्यवहार करता हुआ हितकारी परिमित वचन बोले, अन्यथा राग होने से अनर्थ दंड का दोष लगता है। यह वचन समिति का अभिप्राय है कि तू सत्य धर्म के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मुनि सज्जन पुरुष दीक्षित या उनके भक्तों में साधु सत्य वचन बोलता हुआ भी ज्ञान चरित्र के शिक्षण आदि के निमित्त से बहुविध कर्तव्यों की सूचना देता है और यह सब धर्म की अभिवृद्धि के अभिप्राय से करता है, इसलिए सत्य धर्म का भाषा समिति में अंतर्भाव नहीं होता। समझ में आया क्या अंतर? नहीं आया, आया कि नहीं आया? यू कि यू, यू मतलब नहीं तो यू मतलब हाँ, इतना तुम समझ नहीं है क्या कर रहे हैं? नहीं आया ना, देखो क्या है इसका, और ये तो समझ प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया कि भाई भाषा समिति आपने बोल दी तुम्हारा सत्य धर्म हो तो क्या, तो अब फिर अलग से सत्य धर्म कहने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा भाषा समिति में तो क्या है मुनिराज साधु लोगों के बीच में असाधु लोगों के बीच में सब तरह के लोगों के बीच में हितकारी और परिमित वचन बोले, ये भाषा समिति का अभिप्राय है ना, मतलब वहां पर भी हितकारी और परिमित ही बोले, अहितकारी और अधिक नहीं बोले, परिमित माने अल्प 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 बोले और हितकारी बोले, अधिक बोलने में अनर्थ दंड का दोष लगता है, अनर्थ दंड के अतिचार है कंदर कोच्चे बोखर का समीक्षा अधिकरण पढ़ के आए कि नहीं आए याद है ना क्या क्या है कंदर बहुत कुछ भोकर असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोग अनर्थक के ये थे ना पांच अनर्थ दंड के अतिचार। तो अधिक बोलो कंदर मोखर मोखर में ही धृष्टता खूब बोलना राग से अशिष्ट वचन बोलना अधिक बोलना असभ्य चेष्टाएं करना ये सब था ना। तो यदि मुनिराज साधु असाधु किसी के बीच में भी यदि आवश्यकता से अधिक बोले तो अनर्थ दंड है अनर्थ दंड का दोष लगेगा, तो इसलिए उन सबके बीच में कैसा व्यवहार करें हितकारी और परिमित भाषा का व्यवहार करें, ये वचन समिति का अभिप्राय। ये इतनी वचन समिति बस ये हो गया वचन समिति का काम। अब इसमें एक चीज ये हितकारी और परिमित तो आया लेकिन सत्य वचन बोले आगम के अनुकूल बोले
और शिक्षण आगम की शिक्षा देते हुए वचन बोले, साधु पुरुषों को भी आगम की शिक्षा देने वाले वचन बोले, ये सत्य धर्म का विकास है। मैंने सत्य धर्म ये कहता है कि सज्जन पुरुष दीक्षित या उनके भक्तों में, कि कोई सज्जन पुरुष हो, दीक्षित कोई साधु हो या अपने भक्त भी हो, तो उनमें साधु कैसा वचन बोले, सत्य वचन बोलता हो भी ज्ञान चरित्र के शिक्षण आदि के निमित्त से बहुविध कर्तव्यों की सूचना देवे और धर्म की अभिवृद्धि के भी पास है। मैंने सत्य धर्म में धर्म रूप वचन बोलने के लिए कहा कि धर्म की वृद्धि के अभिप्राय से वचन बोलो। भाई हितकारी और परिमित तो ठीक है, तुमने जन सामान्य में तो तुम हितकारी परिमित वचन बोल दिए, लेकिन यहाँ पे जो तुम वचन बोलो वो धर्म की अभिवृद्धि के अभिप्राय से, कि जीवों में धर्म की अभिवृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो, और उसके लिए वो उनके कर्तव्यों की सूचना देवे कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, धर्म का पालन करने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरी बात कि ज्ञान चरित्र के शिक्षण आदि की भी बात करें, कि ज्ञान और चरित्र की शिक्षा देवे, जिस जिस प्रकार से उनको ज्ञान और चरित्र की शिक्षा है। वचन समिति में जरूरी नहीं था ऐसा, वचन समिति में तो आप हितकारी परिमित बोला हो गया, लेकिन यहाँ हितकारी परिमित के साथ एक चीज और जुड़ गई, धर्मरूप वचन बोले, और धर्मरूप वचन ही सत्य वचन, तो सत्य धर्म का पालन होगा। ज्ञान चरित्र की शिक्षा देवे, उनके कर्तव्यों की सूचना देवे, धर्म की अभिवृद्धि के अभिप्राय से बोले, इस निमित्त से बोले, अन्यथा भी बोले, मैंने जो भी बोले तो उसका अभिप्राय ये हो कि जीवों में धर्म की वृद्धि हो, ज्ञान और चाहे इनका बढ़े और इनको इनके कर्तव्यों की सूचना, तो वो भाषा समिति तो सत्य धर्म होगा। इसलिए वो भाषा समिति से अधिक काम है सत्य धर्म का। सत्य धर्म में भाषा समिति जितना काम तो है ही, साथ में ये एडिशनल रिक्वायरमेंट और है कि वो मुनिराज धर्म की अभिवृद्धि से बोले। हितकारी तो केवल एक जन सामान्य के लिए हितकारी, किसी कुछ पीड़ित पीड़ा नहीं पूछे, उसके प्राणों की हिंसा नहीं हो, लेकिन ये तो धर्म की धर्म रूप वचन बोला, ये बात सत्य धर्म है ना, धर्म रूप वचन, ठीक है। ये एक एक की परिभाषा आप याद रखना है सर, ये तो खैर सत्य धर्म की तो लंबी छोड़ी है, लेकिन क्रोध मान माया सोच ये सब याद रखना, योगों की वक्रता का अभाव आर्जव है, मान का अभाव मार्गव है, प्रकर्ष प्राप्त लोक का भाव सोच है, कलुष्ट उत्पन्न न होना, चित्त में कलुष्ट उत्पन्न नहीं होना, क्षमा है कि नहीं अपने बताओ, अपन सबके क्षमा है कि नहीं बताओ, है अपनी क्षमा। क्षमा का मतलब क्या है, अपने को कोई गाली दे और गाली सुन मन खेदना, ये क्षमा है, पहली स्टेज ही है, पहली, आगे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। किसी ने हमको गाली दी और मन में खेद भी नहीं आया तो आता है कि नहीं आता, तभी क्षमा नहीं, क्षमा कब कहलाएगी, जब मन में कलुष्टा उत्पन्न हो, तो ये दिया इसमें कलुष्टा उत्पन्न होना, ये क्षमा, ठीक है। बाकी आप लोग और देख लेना इसको, बाकी चर्चा बना लेगा।